और अभी यहाँ पे लाइट गई हुई है थोड़ा सा, कितनी बेहतरीन दिख। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं आफ्टरनून से, और अभी बनाने जा रही हूँ लंच में पालक दाल। तो मेरे स्टाइल से मैं कैसे बनाती हूँ पालक दाल, तो चलिए देखते हैं। और देखिए यहाँ पे फ्लोरा और जेरी को, जेरी जेरी पापा, क्यूट बच्चा मेरा देख रहा है पलट के। तो पालक दाल बनाने जा रही हूँ आज मैं, और साथ में भी देखती हूँ और क्या बनाऊंगी। तो मेरे साथ में आ जाइए आप लोग भी, आप लोग को भी मेरे स्टाइल की ये दाल बहुत पसंद आएगी, एक बार आप लोग बना के जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लगेगा पालक दाल के लिए। और अभी यहाँ पे लाइट गई हुई है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो अंधेरा है पूरा किचन की तरफ, तो अच्छे तरीके से मैं शूट कर पाऊंगी। तो यहाँ पे लाइट गई हुई है फ्रेंड्स, तो रोशनी तो बाहर से आ रही है काफी, तो देखते हैं कैसे शूट कर लूंगी मैं बाकी का सब कुछ। वीडियो पे बने रहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप तुअर की दाल और लिया है थोड़ी सी मसूर की दाल, तो लगभग ये 200 ग्राम के करीब होगी ये दोनों दाल मिला के। तो यहाँ पर इसको मैं धो के वॉश करके रख दूंगी इसमें पानी डाल के। और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन 4 से 5 अदद, और लिया है 3 हरी मिर्ची टेस्ट के हिसाब से, और आधा इंच अदरक। तो चलिए अभी ये जो दाल भीगी हुई थी, ये भीगी हुई दाल डाल दूंगी मैं इसके अंदर। दाल को भीग के हो चुका है 15 से 20 मिनट। तो जितनी दाल अच्छी भीगती है ना, तो उतना इसमें विटामिन सी जो है वो रीच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 अदद टमाटर, आधा मतलब कांदा है ये, और जो आप लोग को दिखाया था लहसुन और अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, ये पूरा इसमें डाल दूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं डालूंगी थोड़ा पानी, क्योंकि टमाटर का भी पानी निकलेगा, जो पालक है उसका भी पानी निकलेगा। तो अभी बस पानी थोड़ा डाल दिया है, चलो तो अब इसमें डालती हूँ बाकी के मसाले चूल्हे की तरफ। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है इसमें। फिर उसके बाद इसमें मैं डालूंगी हल्दी, हल्दी इतनी डाल रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर थोड़ा सा, इसमें जीरा पाउडर डालूंगी। नमक तो डाल दिया है, उसके बाद ये पालक, ये पूरी पालक इसमें डाल दूंगी मैं, पूरी पालक डाल दिया है, ये देखिए। तो अब इसको चम्मच चला दूंगी, अलट पलट कर देना है थोड़ा सा, कितनी बेहतरीन दिख रही है हरी हरी पालक और पीली पीली दाल। अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपके कुकर में ज्यादा पानी लगता है, तो वो हिसाब से आप लोग पानी को ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, मुझे अंदाजा है तो मैंने वो हिसाब से पानी को ऐड किया है। तो यही स्टेज पे आप लोग को डालना है इमली, तो इमली तो नहीं मेरे पास खत्म हो गई है, मुझे पता नहीं था। कुकर में मैंने सारा सामान डाल दिया है, बस इमली भी चाहिए, और इमली है नहीं मेरे पास में, तो मैंने डाला नहीं है, इमली स्किप कर दिया मैंने। पर आप लोग इमली डालना, इमली डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा उसके अंदर बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स अभी तक लाइट आई नहीं है, और यहाँ पर 3 सीटी मैंने फास्ट पे लिया है, और अभी मैं 5 से 7 मिनट रखूंगी बारीक आंच पे, उसके बाद में देखते दाल गल जाएगी, तो फिर उसको बगारना रहेगा। यहाँ पे पतला पतला काना काट के ले लेंगे इस तरीके से बगारने के लिए, और साथ ही साथ लहसुन भी काटूंगी मैं। आप लोग एक बार इस तरीके से मेरे स्टाइल से बना के देखना, बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे इतना कांदा बस है, लहसुन आपको इस तरीके से काटना है इसे स्लाइस करते हुए। तो अभी चावल भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे चावल मैं निथार के बनाती हूँ हमेशा, और तो इससे अच्छे बनते हैं चावल, खुले खुले बनते हैं।
तो चलिए अभी दाल बघार लेते हैं, देखते दाल हमारी गली के नहीं गली। तो यहाँ पे लाइट भी अभी तक आई नहीं है, दाल माशाल्लाह गल चुकी है। ये देखिए अब इसको चलो घोट लेती हूँ अच्छे से, और फिर इसको बघारते हैं। बहुत टेस्टी बनती है दाल, आप लोग एक बार ऐसे बना के देखना। अभी तो गर्मी है और गर्मी में इस तरीके से मतलब दाल खाना बहुत मतलब सेहत के लिए भी अच्छा है, हेल्थी है। इसके अंदर पालक है जो कि इसमें आयरन होता है। अभी इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी मैं। ये दाल अच्छे से घुट चुकी है, एक बार दिखाओ यहाँ पर। ये देखिए दाल अच्छे से घुट चुकी है, बस ऐसा ही हमको चाहिए। तो यहाँ पे मैं डालूंगी राई, लिया है राई डालना है, फिर जीरा, लहसुन बघारने में, कड़ी पत्ता, अक्खी लाल मिर्ची लिया है मैंने, ये लंबी वाली, आप लोग जो गोल रहती है वो भी ले सकते हो। साथ में लिया है आधा कांदा, थोड़ा सा बच गया था इसमें से, इतना इनफ हो जाएगा। और साथ ही में मैं डालूंगी हींग। तो चलिए आ जाइए बघारते। और मैंने इसमें डाला है घी, घी से ही बघारना, असली घी से तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो पहले मैं डाल रही हूँ राई, अब मैं डाल रही हूँ जीरा। इसको थोड़ा सा चला लेंगे, और फौरन ही आपको डाल देना है फिर लहसुन। वन बाय वन स्टेप पूरा मतलब चीज रेडी रख के आपको बैक टू बैक सब डालना है, कुछ भी जलना नहीं चाहिए वरना जो टेस्ट है उसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लहसुन को डालने के बाद अच्छी खुशबू आ रही है ना, हाँ, बहुत अच्छी बघार स्मेल आ रही है, की कुछ खुशबू आ बघार रही की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे लहसुन डाल दिया है, लहसुन को लाल नहीं करना है, फिर फौरन डाल देना है कांदा। इसके लिए लहसुन हल्का हल्का सा रहेगा, गुलाबी जैसा हल्का सा, फौरन आपको कांदा डाल देना है। अब चलिए इसको अलट पलट करके मैं लाल कर लेती हूँ। कांदा देखिए हल्का गुलाबी हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी इसमें मिर्ची। मिर्ची डालने के बाद थोड़ी सी मिर्ची की कच्ची बात यहाँ पे अलट पलट करना है। उसके बाद डालना है हींग। हींग तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता, देखो कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन कड़ी पत्ता है, ये डालना है। आवाज आ रही होगी आप लोग को इसके तड़कने की। चलिए अब इसमें डालती हूँ मैं दाल। डालने से पहले एक बार चम्मच चला लेना है, फिर इसके बाद और पानी डाल देंगे थोड़ा, आधा कप इतना पानी डालेंगे इसके अंदर। देखिए आप लोग कितनी अच्छी लग रही है दाल, पर आप लोग ना इसमें इमली जरूर डालना, मेरे पास थी नहीं ना तो मुझे अफसोस भी हो रहा है। मतलब इमली डालते तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर, एक खट्टापन आता है, और पालक का एक अपना टेस्ट है इसके अंदर। और आप लोग को चाहिए तो आप सिर्फ आप लोग इसको तुअर की दाल में भी बना सकते हो, जैसे मैंने इसमें तुअर मसूर दोनों मिक्स किया है ना, तो आप लोग सिर्फ तुअर की दाल में भी बना सकते हो। अगर चाहिए तो सिर्फ मसूर की दाल आप खाते हो तो उसमें भी पालक डाल के सेम मेथड यूज करके आप वैसे भी बना सकते हो, एकदम परफेक्ट बनी है। बस इसमें थोड़ा खौल आएगी, खौल आने के बाद इसको मैं बारीक करूंगी। तो यहाँ पे देखिए दाल में खौल आ गई है, अभी मैं इसको बारीक कर दूंगी। तो अभी इसको पकने देंगे थोड़ा सा, 5 से 4 मिनट, जब तक ये ऊपर का फेस हट नहीं जाता। तो इसको बारीक आंच पे रखो, 5 मिनट के अंदर ये फेस हट जाएगा या कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है आपकी दाल रेडी है, राइस रेडी है, यहाँ पे दाल रेडी है। और साथ ही साथ अभी मैं पापड़ तलूंगी। चलो दाल को एक सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ, और थोड़ा सा कोतमीर डाल के इसको गार्निश कर लूंगी मैं। और मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि कैसी बनी है। कलर भी एकदम अच्छा आया है, परफेक्ट आया है, जैसा मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने आप सबको खाना दिया, आपके भाई को, और मैंने खुद के लिए भी निकाला। तो चलिए अभी बिस्मिल्लाह करके टेस्ट करती हूँ। टेस्टी होनी थी दाल, जैसे मुझे चाहिए थी ना वैसी ही बनी। और आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई करना। खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे देखिए रेडी हो चुकी हूँ जिम जाने के लिए, यानी जॉब पे जाने के लिए। तो यही टाइम पे मैं निकलती हूँ जिम के लिए, अपने जॉब के लिए। तो
जिम पहुंच गई थी और यहाँ पे अपना मैंने फिर जाके फ्लोर लिया। उसके बाद में कुछ टाइम बाद फिर मैंने अपना 10 मिनट से 5 मिनट का ब्रेक लिया। और देखिए टाइम मैंने अंदर का क्लिप नहीं निकाला, अब मैं घर जा रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।